एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन द्वारा टेराकोटा शिल्पी बुनकर सम्मेलन एवं टेराकोटा डिजाइन कार्यशाला के समापन समारोह का आयोजन जीडीए सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन व खादी व ग्राम उद्योग रेशम हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी के अलावा जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, विधायक महेंद्र पाल सिंह, यूपीआईडी के अध्यक्ष शिप्रा मिश्रा, उपायुक्त उद्योग पूजा श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी और टेराकोटा के कारीगर मौजूद रहे। कार्यशाला का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए टेराकोटा के कारीगरों ने अपनी समस्याओं को बताते हुए उसके निराकरण की मांग की, जिस पर मंत्री श्री पचौरी ने उसके निराकरण के आश्वासन दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि एक जिला एक उत्पाद के तहत अगस्त माह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था तथा टेराकोटा उत्पादकों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करते हुए गोरखपुर के टेराकोटा उत्पाद को पहचान दिलाया गया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कहा कि विभिन्न जनपदों के उत्पादों को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है ताकि उत्पादों से जुड़े हुए शिल्पी कारीगर एवं अन्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। उन्होंने कहा कि टेराकोटा के कारीगर बैंकों से ऋण लेकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि टेराकोटा एवं संबंधित क्षेत्रों में कैंप लगाकर उन्हें विभिन्न योजनाओं में से लाभान्वित भी किया जा रहा है तथा टेराकोटा के शिल्पियों एवं बुनकरों के द्वारा जो भी मांग एवं समस्याएं हैं उसे दूर किया जाएगा। तो कहूंगी कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी यहाँ जीडीए सभागार में मंत्री जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन श्री सत्यदेव पचौरी जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुए एवं यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री जी यहाँ इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। मैं ये व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे एवं इसके दृष्टिगत कैसे इनका उत्थान जहां हमारे हस्तशिल्पी भाइयों एवं बुनकरों को नवीन डिजाइन एवं तकनीकों से अवगत करा करके प्रशिक्षण दिया जाए कि 10 अगस्त 2018 को ओडीओपी समिट एक जनपद एक उत्पाद समिट में इंदिरा उन सब को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा इलेक्ट्रिक चाक का वितरण किया गया। इसी क्रम में इसे लिया जाता है। गुजरात मराठा तमिल उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष माने लाया हूँ और सबसे मेरा पहला सहयोग ये अभी तो हमें लखनऊ में चाक दिलवाई है लेकिन वो चाक एक होता है कि बस थोड़ा सा उससे काम चलने वाला है नहीं हमारा। क्या चाहिए हमें? सर मिट्टी कूदने वाली मशीन चाहिए कम से कम औरंगाबाद भलवरिया हाथी नगर गुलरिया एकला मिला के लगभग 50 से 60 मिट्टी कूदने वाली मशीन चाहिए। उसके बाद लगभग 100 व्हील शायद 100 व्हील लगभग हो जाए तो सबसे अत्युत्तम होगा। और भट्टी जो अब क्योंकि प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है हम लोग कंडे से भट्टी लगाते थे इससे प्रदूषण बहुत बढ़ता है इसलिए हम चाहते हैं कि अब इलेक्ट्रिक भट्टी मिल जाए। और सबसे बड़ी समस्या हमारा सर ये है कि हम सबसे पुश्तैनी कलाकार हैं औरंगाबाद के हमारे ही ट्रेनिंग सेंटर से चले हुए औरंगाबाद भलवरिया एकला चले हुए लगभग
50 साल से लोग भी काम करते हैं और हमसे भी आगे हुए हैं, लेकिन हमारा गांव थोड़ा रोड से हट के है, पीछे लगभग 2 किलोमीटर, इसलिए चाहते हैं कि अब हमारे वहाँ रोड चौड़ीकरण करा दिया जाए। जगत का टेराकोटा और गोरखपुर का टेराकोटा में काफी अंतर है, काफी फर्क है। हम लोग की कमी यही है, इसको पहचान करके कैसे मार्केटिंग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसको ले जाना है, उस पर हम लोग आगे बढ़ाना है सर। उसी दिशा पे हम लोग यहाँ गोरखपुर के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दिलाने के लिए यहाँ प्रोसेस सारे हम लोग करवा रहे हैं, ताकि इसको गोरखपुर मिट्टी से बना हुआ टेराकोटा का अलग पहचान हो जाए। दूसरा चीज है सर, आपसे सुबह निवेदन किया, आप भी स्वीकार किए हैं वो, तो आप लोग आपको मैं आभार व्यक्त करता हूँ सर। यहाँ खासतौर पर मार्केटिंग के काफी समस्या है सर, ताकि यहाँ का जो कलाकार बनाते हैं, जो रोड के लिए भी मेरा भाई जो कलाकार भाई ने बताया है, हमने औरंगाबाद गांव में गए, वहाँ रोड तो है ही है सर, बट भारी वाहन नहीं जा पाता, ताकि खासतौर पर क्या होता है सर, यहाँ कहाँ कहाँ प्रदर्शनी लगता है, लोग भारी वाहन ट्रक से सामान लाद के ले जाते हैं फिर वहाँ लगाते हैं। छोटी वाहन तो है सर, रोड भी ठीक है, बट इन लोग का अलग समस्या है सर, ताकि भारी वाहन जाएगा, ताकि सारे 10-15-20 कलाकार मिलके अपने सामान लाद के जाते हैं, 10-15 दिन कहीं भी जो प्रदर्शनी लगता है वहाँ जाके परिवार सहित रुकते हैं, प्रदर्शन करते हैं, फिर उसके बाद उसी हिसाब से ले आते हैं सर। उसी के हिसाब से इन लोगों का मार्केटिंग का सर बस एक सुझाव मेरा है सर, यहाँ कोई अधिकारी जो भी नामित हो जाए मार्केटिंग के लिए ध्यान देने के लिए, खासतौर पर सर लोकल मार्केटिंग का इनका व्यवस्था कराना होगा सर। जगह जगह पे दुकान, जगह जगह पे जो लोकल प्रदर्शनी होता है, मंडल में भी होता है, जनपद में होता है, जाड़े में बहुत प्रदर्शनी चालू होता है सर, उसका पहले ही एक शेड्यूल जारी हो जाता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट इससे टाइप करते हुए हर जगह इन लोगों का एक जगह चिन्हांकन हो जाए सर, प्रदेश में कहाँ कहाँ हो जाता है, उससे बहुत भला हो जाएगा सर। दूसरी चीज है सर, इन लोग फिलहाल जो अभी मेरा जो कलाकार भाई का सामग्री आप देखे होंगे सर, सारे जो अलंकार टाइप का बनाते हैं सर, अब उसके आगे सर हम लोग का एक आगे दूसरे टाइप का थोड़ा इनका मार्केटिंग का व्यवस्था कराना है सर। खासतौर पर मान लीजिए प्लास्टिक बैन करा दिए हम लोग, उसी से अभी कुल्हड़ के लिए डिमांड बढ़ गया अचानक, यहाँ जो आपका चाक दे रहे हैं सर उस पर कुल्हड़ भी ऐसे कुल्हड़ बनाना चाहिए सर, प्रोफेशनल तरीके से, कच्चा कुल्हड़ तो बना देते हैं सर छोटा बहुत, बट वो उतने पसंद नहीं करते हैं जनता लोग, उस पर सर विदेश में जाएंगे सर उसका कुल्हड़ भी ऐसे सुंदर बना देते हैं, उसे पसंद करके पीते हैं सर, उसको थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से कुल्हड़ बन गया है सर। दूसरा सर, हार्टिकल्चर में इसको अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं सर, गमला के टाइप में तरक्की के गमला का सर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से इनसे टाइप हो जाए सर, ताकि जो कहाँ इन लोगों का जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट गमला का डिमांड है वो पहले ही आ जाए सर, 1,000, 1,00,000, 2,00,000 कितने संख्या में इनको बनाना है, आराम से बना करके हम लोग उन लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं सर। ये एक तो मेरा मांग है सर, बाकी चीज आप जो निर्देश देंगे सर हम साथ खड़े हैं सर, लोग बाइक कलाकार भाई का आगे बढ़ाएंगे सर। जय हिंद। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत ये कार्यशाला आयोजित की गई थी टेराकोटा की, और उस कार्यशाला का आज समापन का अवसर था। उस अवसर में हमने बुनकरों को भी आमंत्रित कर लिया, हस्तशिल्पियों को आमंत्रित कर लिया, और विभिन्न उद्योग से जुड़े हुए लोगों को भी आमंत्रित कर लिया, इसीलिए कि सामूहिक रूप से सबकी समस्याओं की जानकारी हो सके, ताकि हम उस समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार आगे योजना बना सके, इसीलिए हमने सबको बुलाया था। हम केवल यहाँ भाषण देने नहीं आए थे, हम तो यहाँ पर समस्याओं की जानकारी और जानकारी के आधार पर उन समस्याओं के समाधान के लिए योजना बनाने आए थे, और तमाम चीज़ें तो मैंने यहीं आज बैठे बैठे कर दी। जैसे टेराकोटा वालों को जगह चाहिए कि अपना उत्पादन तो करते हैं, बेचे कहाँ, और इसलिए आज हमारी जिलाधिकारी से बात हुई है कि वो जगह देंगे और हमारा विभाग उनको शोरूम बनवा के दे देगा, कि वो अपना माल, एक तो बरसात में रखने की भी दिक्कत होती है तो माल वहाँ रखें और उनको मार्केटिंग में सुविधा मिले। दूसरी उनकी दिक्कत थी कि उन्होंने कहा कि हम तालाब से मिट्टी निकालते हैं और हमसे पैसा ले लिया जाता है। सरकार का निर्णय ये है कोई भी किसान को मिट्टी खुदाने के लिए पैसा नहीं लिया जाएगा, ये हमारी सरकार ने निर्णय कर लिया। इसका लगता है मिस यूज हो रहा था, तो हम अलग से व्यवस्था बनाएंगे, एक भी टेराकोटा के उससे उत्पादन करने वाले से या कुल्हड़ बनाने वाले कुम्हार से पैसा नहीं लिया जाएगा। और एक सब्सिडी की समस्या आई कि पहले हम
हैंडलूम और पावर लूम को विद्युत की छूट देते थे, वो व्यवस्था हमने बदल दी है। इसलिए बदल दी है कि उस व्यवस्था में कुछ गड़बड़ियाँ थी, कमियाँ थी, मिसयूज हो रहा था। इसलिए अब हमने व्यवस्था ये बनाई है कि जो हैंडलूम और पावर लूम के लोग हैं उनका हम वेरिफिकेशन कराएंगे, सत्यापन कराएंगे और आधार कार्ड से जोड़ेंगे, और आधार कार्ड के बाद उनको जो सब्सिडी है, छूट है, वो उनके खाते में जाएगी। अब सब्सिडी ये नहीं होगा कि आपका बिल 196 रुपए का आ जाए, आपके ये चले नहीं हैंडलूम और आपका शोरूम चल रहा है, ये नहीं होगा। ये सब्सिडी जिस चीज़ के लिए उसी में यूज होगा, हैंडलूम के लिए, पावर लूम के लिए तो पावर लूम में यूज होगा, शोरूम में नहीं होगा। ये मिस यूज हो रहा था, इसलिए व्यवस्था हमने चेंज कर दी। व्यवस्था बनाई कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे हैंडलूम के, पावर लूम के उत्पाद हैं या और चीज़ें हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, वो 20% उत्तर प्रदेश सरकार की जो खरीदारी होती है उसमें प्राथमिकता दी जाए, सरकार खरीदे। हमने ये भी घोषणा कर दी कि उनकी जो गांव की सड़क है, जो टेराकोटा वालों की मांग थी, वो भी चौड़ी होगी, हैं वो लिखित में प्रस्ताव दे देंगे, वो हम क्या उसको डबल लेन बनाएंगे सर? अब देख लेंगे, 5.5 मीटर विधायक जी ने कहा, 5.5 मीटर तो 5.5 मीटर। ठीक है, हम इनको उपकरण देंगे निःशुल्क,